डिस्क्लेमर, शिवचंगा मलिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिजलाबाज भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि बेटा फिश का ब्रीडिंग सीजन तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो इस साल का ब्रीडिंग सीजन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जेड ब्लैक प्लैकेट्स को ब्रीडिंग करवा के। तो ये जो जेड ब्लैक प्लैकेट्स देख रहे हो वो पेयर को किस तरीके से मैंने खाना खिला के ब्रीडिंग के लिए रेडी किया और किस तरीके से मैंने उनका पूरा बच्चों को हैच करवाया, पूरा ए टू जेड आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने टैंक सेटअप किया, टैंक पर पानी किस तरह कितना डाला वो सब कुछ दिखाऊंगा। और जो सब लोग फार्मिंग करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, उन लोगों के लिए अलग एक टैंक सेटअप बताऊंगा। और जो सब लोग हॉबिस्ट हो, एक दो पेयर ब्रीडिंग करवाना चाहते हो सक्सेसफुली, उन लोगों के लिए एक अलग टैंक सेटअप बताऊंगा। और ये सब जो पेयर देख रहे हो इनका ऊपर भी डिटेल एक वीडियो आने वाला है। तो बेटा फिश का ब्रीडिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आएगा दोस्तों। तो जो भी बेटा फिश ब्रीडिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और सेकंड पॉइंट पर आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से मैंने पानी रेडी किया। और पानी रेडी करने का भी दोस्तों एक टेक्निक होता है, उल्टा सीधा पानी में अगर बेटा फिश को ब्रीडिंग पे लगा दोगे तो अंडा हैच नहीं होगा या फिर अंडा कम हैच होगा। उसी के साथ दोस्तों ये जो आलमंड लीफ है उसका बेनिफिट तो बहुत सारे लोग बताता है मगर आज इसका नुकसान भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आलमंड लीफ यूज़ करना कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। तो वो क्यों होता है वो आगे आप लोगों को वीडियो में समझा दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को वो पेयर दिखा देता हूँ जिस पेयर को हम लोग ब्रीडिंग करवाएंगे और वीडियो में आगे आप लोगों को समझा भी दूंगा दुकान से अगर आप लोग मछली खरीदते हो तो किस तरीके से आप लोग एक अच्छा पेयर को खरीद पाओगे और आप लोग किस तरीके से मेल और फीमेल को एज जो है वो पता करके ब्रीडिंग पे लगा सकते हो, वो पूरा इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और जो भी आप लोग ब्रीडिंग पे बैठा होगे, मेल को किस टाइम पे टैंक पे छोड़ना है ब्रीडिंग टैंक पे और फीमेल को किस टाइम पे ब्रीडिंग टैंक पे छोड़ना है, दोनों का ही एक अलग अलग टाइम होता है। तो वो टाइम भी बताऊंगा क्योंकि बेटा फिश का अंडा देने का एक स्पेशल टाइम होता है, तो वो पूरा क्लियर बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा और आगे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारा बेटा फिश रिलेटेड वीडियो आता है। ब्रीडिंग पे तो भाई वीडियो सब कुछ बना देता है, मतलब यूट्यूब पे कि ब्रीडिंग किस तरीके से करना है, मगर ब्रीडिंग पे जो प्रॉब्लम आता है लाइक मेल ने अंडा खा लिया या फिर फीमेल को मेल मार रहा है या फिर फीमेल अंडा ही नहीं छोड़ रहा है, तो बेटा फिश में बहुत सारा प्रॉब्लम है ब्रीडिंग के टाइम पे। तो वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं देता हूँ। तो चलिए भाई वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं समझा देता हूँ किस तरीके से आप लोग एक सही ब्रीडिंग पेयर चॉइस करके खरीद पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने एक सही ब्रीडिंग पेयर अगर खरीद लिया तो समझ लो वहीं पे आप लोगों का 60% ब्रीडिंग में सक्सेस मिल गया। तो देखो ब्रीडिंग के लिए अगर मछली खरीद रहे हो तो हमेशा मैं वीडियो में बोलता हूँ मिनिमम 5 महीने से लेकर 8 महीने का बीच का मछली को खरीदो, उसी के टाइम में जो मछली होता है वो सबसे बढ़िया ब्रीडिंग करता है। उसके कम बेच का अगर मछली खरीदोगे 4 महीने का 3 महीने का तो वो मैच्योर नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा उम्र का मछली खरीदोगे 9-10 महीने का तो ब्रीडिंग में सक्सेस होने का चांस बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो बूढ़ा होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा 5 से 8 महीने का मछली को खरीदो जो कि अच्छा ब्रीडिंग करेगा। तो वो मछली आप लोग समझो किस तरीके से कि 5 महीने से लेकर 8 महीने के बीच का है, तो आप लोग हमेशा बेटा फिश का साइज़ को देखो। साइज़ में अगर प्लाकेट के केस में 2 इंच टू 2.5 इंच, मतलब 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक होगा साइज़, तो समझ जाओ कि वो मछली 5 से 8 महीने के बीच का है। अगर OHM है, क्राउन टेल है, लॉन्ग फिन वाला कोई भी मछली है तो 2.5 इंच टू 3.5 इंच, ठीक है, समझो इसके बीच में होगा, 2.5 से 3.5 इंच के बीच में, तो समझ लो कि उसका उम्र 5 से 8 महीने के बीच का है। उससे बड़ा मछली कभी भी ब्रीडिंग के लिए आप लोग लेना मत। अभी दोस्तों बात करते हैं टैंक सेटअप के ऊपर। तो बहुत सारे लोग ये छोटे गमलों पे ब्रीडिंग मेरा देखे हो, मैं नॉर्मली छोटे गमलों पे ब्रीडिंग करवाता हूँ, तो आप लोग जो सब हॉबिस्ट लोग हो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाई 12-13 साल के ऊपर एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए इसमें ब्रीडिंग करवाता हूँ, मेरा एक भी फ्राई मरता नहीं है। मगर आप लोग अगर इसमें ब्रीडिंग करवाओगे ना, आपका एक हफ्ते के अंदर हर फ्राई मर जाएगा, मतलब आपका अगर 300 फ्राई हुआ है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40-50 फ्राई बड़ा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग ये बड़ा साइज़ का गमला अगर आपके पास है तो उसमें आप लोग ब्रीडिंग करवाओ। इसमें मिनिमम समझो कि 20 लीटर के आसपास पानी हो जाता है। और मैं दोस्तों ये जो मिट्टी का गमला देख रहे हो जिसको बांग्ला में मालसा बोला जाता है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर होरिनाम हुआ था, मतलब एक पूजा टाइप का हुआ था बंगाली का एक पूजा, तो वहाँ पर यह भोग आया था, मतलब प्रसाद आया था, उसका जो मालसा है मतलब जो मिट्टी का ये कॉन्टेनर जैसा देख रहे हो उसमें भी हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, इतना छोटा जगह में गर्मी के टाइम पे पानी उसमें
उसमें ठंडा रहता है, मगर आप लोगों के लिए उतना छोटा जगह मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग मछली को मार दोगे। तो हमेशा बड़ा साइज़ का टैंक पे ब्रीडिंग करवाओ, मगर पानी का लेवल कम रखना। कितना कम रखना है वो तो आगे आप लोगों को समझाऊंगा, फिलहाल वो गमलों पे मैंने ट्यूबफ्लेक्स वॉर्म रखा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ईंट सजाया जा रहा है यही जगह पे मैं टैंक लगाने वाला हूँ, क्योंकि फार्म पे अभी बहुत कम जगह है, तो उसी पे मैं ब्रीडिंग का जगह बना के वहीं पे ब्रीडिंग करवाऊंगा। तो मैं कौन सा ब्रीडिंग टैंक यूज़ कर रहा हूँ, देखो ये जो सब्जी का टोकरी आता है ना, फल सब्जी वगैरह यहाँ पे सेल होता है, तो उसी का ये जो टोकरी है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज शायद से 3 फीट के आसपास होगा, 3 फुट होगा या फिर 2.5 फीट होगा, मेरे को उतना अंदाज़ा नहीं है, आप लोग बस साइज़ देख लो, अच्छा खासा बड़ा साइज़ का है। इसमें दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, मेल अगर फीमेल को चेसिंग करेगा, भगाएगा, तो फीमेल को अच्छा खासा छुपने के लिए जगह मिल जाएगा, फीमेल भाग दौड़ कर पाएगा। और जब बच्चा पैदा होगा, यहाँ से मेरे को बच्चों को दूसरा जगह पर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चे का मॉर्टलिटी मतलब मरने का चांस भी बहुत कम होगा। तो इसीलिए मैं बड़ा जगह पर हमेशा ब्रीडिंग करवाने के बारे में आप लोगों को बोलता हूँ। अभी फिलहाल दोस्तों मैंने प्लास्टिक लगा दिया है, ये वाला प्लास्टिक मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये वाला प्लास्टिक का जो कलर है वो थोड़ा बहुत पानी में लीकेज होता है, उसमें एडल्ट मछली को कोई दिक्कत नहीं होता है, मगर जो छोटा फ्राई होता है उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए मैंने पुराना प्लास्टिक को यूज़ किया है। अभी दोस्तों बात करते हैं पानी, पानी कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो देखो जो सब लोग यूज़ करते हो, आपका जो कॉरपोरेशन का पानी होता है वो कभी यूज़ मत करो, उसमें क्लोरीन होता है। किसी किसी जगह पे कॉरपोरेशन का पानी में क्लोरीन यूज़ नहीं होता है, तो वो मेरे को नहीं पता है, आप अपने जगह पे हिसाब से थोड़ा सा चेक करना। नॉर्मली मैं बोलता हूँ सबमर्सिबल आपके घर पे अगर है, जो पंप होता है वो पंप आपके घर पे अगर है तो उसी का पानी यूज़ करो, कोई भी मिनरल वाटर यूज़ मत करना। सबमर्सिबल का पानी को अगर आप लोग 40-50 दिन पुराना करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरा ये जो पानी मैं उठा रहा हूँ ये करीब करीब 45 डे पुराना है, और ऊपर देख सकते हो आयरन का पूरा लेयर आ चुका है, तो ये पानी पूरा परफेक्ट है बेटाफिश ब्रीडिंग करने के लिए। और ये पानी को और भी परफेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ दे रहा हूँ आलमंड लीफ। तो आलमंड लीफ देने का दोस्तों बहुत अच्छा एक बेनिफिट भी है और बहुत ख़राब एक डेंजरस चीज़ भी है। अगर आलमंड लीफ आप लोग ज़्यादा दे दोगे तो पानी में 2-3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एमोनिया स्पाइक हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर दोस्तों, जी हाँ आप लोग सही सुन रहे हो, 2-3 दिन के अंदर एक टॉयलेट जैसे उसमें से स्मेल आता है, वही एमोनिया का स्मेल है। तो वो अगर स्मेल आ रहा है तो उसमें अंडा अगर फीमेल ने दे दिया, बबल नेस्ट के अंदर अंडा है, तो एक भी अंडा हैच नहीं होगा क्योंकि पानी कॉन्टेमिनेशन हो चुका है। तो हमेशा दोस्तों आप लोग जो आलमंड लीफ यूज़ कर रहे हो थोड़ा सा कम देना, पानी को पूरा ब्लैक मत कर देना, थोड़ा सा जो चाय होता है ना, जो रॉ चाय होता है बिना दूध का चाय, वैसा देना। और मैं जो लीफ यूज़ कर रहा हूँ आलमंड लीफ का, वो पूरा पेड़ से गिरा हुआ लीफ है, ना ही मैंने पेड़ से तोड़ के उसको सुखाया है, पेड़ से नेचुरली जो पत्ता सर्दी के टाइम पे गिरता है वही पत्तों को यूज़ करो, पेड़ से पत्ता तोड़ के उसको धूप में सुखा के यूज़ मत करो। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जो सेल होता है उसके बारे में मेरे को नहीं पता वो लोग क्या करता है, मेरे पास से ये आलमंड लीफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है दोस्तों, आप लोगों के बॉक्स में बहुत सारा मैं डाल देता हूँ। तो जो भी मछली ऑर्डर करते हो मेरे को बोल देना, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो ज़्यादा क्वांटिटी में दे दूँगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। मेरे पास मतलब जो बोरी है, बस्ता बोला जाता है, वो भर भर के है यहाँ पे मेरे पास। तो फिलहाल मैंने आलमंड लीफ दे दिया है, जो भी आलमंड लीफ मैंने दिया है यहाँ से थोड़ा सा मैं कम कर दूँगा। फिलहाल मेरे को पानी में टैनिन चाहिए, और ये जो रस्सी देख रहे हो, रस्सी का उलझा हुआ टुकड़ा है, इसको देने का भी एक रीज़न है। आलमंड लीफ तो मैं दे रहा हूँ, उसके नीचे भी फीमेल छुप पाएगा, मगर फीमेल को छुपने के लिए और भी जगह चाहिए, क्योंकि मैं ये जो टैंक है उसको ढकने के बाद बार बार जाके डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बार बार जाके देखूँगा नहीं कि फीमेल मेल को मार रहा है या फिर नहीं, तो इसीलिए मैं पूरा टैंक को ये जो झांझी है मतलब हमारे बांग्ला में इसको झांझी बोला जाता है, तो उससे पूरा मैं ढकने वाला हूँ। ढक से क्या होगा, फीमेल जहाँ भी मर्जी होगा वो छुप जाएगा, तो फीमेल जब छुप जाएगा तो मेल उसको मार ही नहीं पाएगा, तो वो एक सीन है। और आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा फीमेल को छुपने के लिए जगह दे देना, ठीक है। आप लोगों के आसपास जो कुल्लर है, मिट्टी का जो कुल्लर टुकड़ा कुछ भी है, वो आप लोग छुपने के लिए फीमेल को दे दो, ताकि वो फीमेल छुप सके। फिलहाल मैंने जो झांझी है वो दूसरा साइड पे दिया है, और पानी का लेवल आप लोग देख लो, 3 इंच का है, ठीक है, 3 इंच। अभी 2 इंच मतलब 2 इंच पानी में सबसे बढ़िया ब्रीडिंग होता है, ठीक है, मगर मैंने 3 इंच गहरा पानी दिया है ताकि यहाँ पे जो बच्चा होगा वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा जगह पे घूम सके, ताकि जो बच्चा है उसका ग्रोथ भी सही रहे। 3 इंच का पानी पे मेल को कोई दिक्कत नहीं होगा, मगर हाँ आप लोग ज़्यादा गहरा पानी मत देना, 3 इंच से ज़्यादा गहरा पानी देना ही मत, क्योंकि मेल को नीचे जाके जो एग है वो उसको उठाना पड़ेगा, ऊपर आके फिर से रखना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसीलिए 3 इंच पानी दो। अगर आपको दूसरा जगह पे मछली को शिफ्ट करना है तो 2 इंच पानी दो, मगर दूसरा जगह पे मछली को जो बच्चा है वो शिफ्ट करने को मैं कभी नहीं बोलूँगा,
वो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाएगा, मछली मर भी सकता है। फिलहाल मैंने ये प्लास्टिक ऊपर से ढक दिया है, थर्मोकोल नीचे एक दिया है, इससे क्या होगा बाहर से जो हवा है वो अंदर नहीं जाएगा, बबल नेस्ट टूटेगा नहीं। तो फिलहाल टैंक सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग मेल को उठाएंगे। तो मेल को उठाने से पहले मैंने मेल्स को ट्यूबफ्लेक्स वाम खिला दिया है, और हाँ मेल और फीमेल दोनों को ही मैं एक हफ्ते से ट्यूबफ्लेक्स वाम खिला रहा हूँ, और हाँ फीमेल को मैं हफ्ते में एक दो दिन ट्यूबफ्लेक्स वाम देता हूँ। मेनली मैं फीमेल को जो डाफनिया होता है, जो कीड़ा होता है डाफनिया, वो ही मैं फिट करता हूँ। फीमेल को ट्यूबफ्लेक्स वाम अगर ज़्यादा खिलाऊँगा तो उसमें फैट हो जाएगा, फैट होने से क्या होता है फीमेल अंडा नहीं छोड़ेगा, पेट फूला ही रहेगा बट अंडा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए फीमेल को कम ट्यूबफ्लेक्स वाम देता हूँ, ज़्यादा डाफनिया देता हूँ। मेल को ट्यूबफ्लेक्स वाम दो, डाफनिया दो, कुछ भी दो हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मगर इम्पोर्टेड जो मेल होता है उसको डाफनिया थोड़ा कम दो या फिर ना ही दो तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ का डाफनिया जो है वो कुछ उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी। मेरा पास बहुत पहले 2017-18 की बात है, मैंने डाफनिया दिया था कुछ इम्पोर्टेड मछलियों को, तो मेरा 2-3 इम्पोर्टेड मछली मर गया था। उस टाइम पे बहुत महंगा था वो मछली, 150 रुपये करके था, तो 150 रुपये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था। तो वो मछली मरने के बाद मैं इम्पोर्टेड मेल्स को कभी भी डाफनिया फीड नहीं करता हूँ। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाफनिया फीड मत करो अपने मछलियों को, इम्पोर्टेड मछलियों को। जो होमब्रीड का मछली है उसको तो भाई मस्त डाफनिया फीड करो, और मैक्सिमम लोगों के पास डाफनिया अवेलेबल भी नहीं होगा, है ना। तो डाफनिया के बारे में कभी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल पानी का कलर देख सकते हो पूरा रेडिश हो चुका है, ये 2 घंटे बाद मैं मेल को छोड़ने के लिए आया हूँ, तो 2 घंटे के अंदर पानी देख सकते हो पूरा रेड रेड हो रहा है, क्योंकि मेरा जो आलमंड लीव है वो मैंने सर्दी के टाइम पे, ये जो सर्दी का मौसम गया उस टाइम पे मैंने उठाया है, मतलब जो नीचे पेड़ में गिरा हुआ था वही पानी को मैंने, वही आलमंड लीव को मैंने उठाया है। और पानी का लेवल तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, और फिलहाल मेल को मैं डायरेक्ट छोड़ देता हूँ। चलो तो ये देख सकते हो मेल, और मेल का साइज़ देखो 2 इंच या फिर 2.5 इंच भी नहीं होगा, 2.2 इंच या फिर 2.1 इंच कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मेल का साइज़ ऐसा ही होना चाहिए, इससे बड़ा साइज़ का मेल मत लेना। और यहाँ पे आ गया है एक और मेल, ये मेरा भांजा है। और हाँ ये कुछ दिन मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मतलब मेरा गले में थोड़ा सा दर्द है और थोड़ा सा सर्द भी हुआ है, मतलब भूखा टाइप का लग रहा है, शरीर थोड़ा सा कमज़ोर है, पानी में काम होता है ना, तो इसीलिए मैंने 2 दिन पैकिंग नहीं किया है। तो जिनका भी पैकिंग रुका हुआ है, बाकी सब लोगों का निकल जाएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ मेरे से ऑर्डर करोगे तो लेट होगा पार्सल, ठीक है, कुछ ना कुछ मेरा रुकावट आ ही जाता है। तो ये जो आप लोगों को वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ ये नेक्स्ट डे का है उसका, मैंने एक दिन मेल को पूरा छोड़ दिया, उस टैंक पे मेल घूम रहा है आराम से, खाना वाना खाया था पहले, अभी दोस्तों नेक्स्ट डे मैं फीमेल को छोड़ रहा हूँ मेल के साथ। तो मेल ने क्या किया है दोस्तों, अभी मेल पूरा एकदम अपना एक टेरिटरी बना लिया है, टेरिटरी मतलब अपना खुद का एक घर जैसा माहौल बना लिया है कि ये मेरा इलाका है, किसी को आने नहीं दूंगा, जो भी आएगा उसका मतलब उसका पैंट गीला कर दूंगा। तो फिलहाल फीमेल को मैं छोड़ने वाला हूँ यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, मेल को छोड़ने के एक दिन बाद या फिर जिस दिन छोड़ता हूँ उसी दिन शाम को मेल बिना फीमेल को देके ही बबल नेस्ट पूरा बना देता है, मगर अभी हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम थोड़ा बहुत है तो इसीलिए बबल नेस्ट नहीं बनाया है। तो ये जो वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ उसी दिन शाम का है, मतलब जिस दिन मैंने फीमेल को छोड़ा था उसी दिन के शाम का वीडियो फुटेज है। और मैंने नया ये टॉर्च लाइट खरीदा है, देखो भाई ये बहुत मस्त टॉर्च लाइट है, मेरे को 350 रुपये में मिला है, ये देखो पीछे भी एक लाइट है। और कुछ लोगों को लग रहा है कि बच्चों जैसा बातें कर रहा हूँ टॉर्च लाइट को दिखा रहा हूँ, मगर हाँ जो मेरे जैसा फिश लवर्स हो, रात को अपनी मछलियों को देखने जाते हो, उन लोगों के लिए एक टॉर्च लाइट भी बहुत मतलब बढ़िया चीज़ होता है, एक मज़े की चीज़ होता है। तो अभी तो फार्म को मैंने इतना लाइटिंग कर दिया है कि रात को भी पूरा दिन बना देता हूँ फार्म में, रात को भी वीडियो बना सकता हूँ। तो फिलहाल देखो मैंने फीमेल को छोड़ा था दोपहर 2 या फिर 1 बजे के टाइम पे शायद से, तो अभी शाम के 7 बजे का टाइम है, मेल ने बबल नेस्ट बना दिया है। अभी तो ये बबल नेस्ट बहुत छोटा है, आगे आप लोगों को दिखाऊंगा और भी बड़ा बबल नेस्ट ये मेल बनाएगा। फिलहाल मेल कभी उधर छुपा हुआ है, फीमेल एक दूसरा साइड पे छुपा हुआ है, और बीच में जो मैंने रस्सी का टुकड़ा था वो मैंने बीच में रख दिया है, जो रस्सी का उलझा हुआ झांझी था ना वो मैंने बीच में रख दिया है, ताकि मेल अगर एक कोने में बबल नेस्ट बना दे तो वो झांझी की वजह से मेल को ना दिक्कत हो, बीच में दिया हूँ, मेल किसी ना किसी कोने पर बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल मैं फिर से ढक देता हूँ, अभी आप लोगों को नेक्स्ट डे का वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ, मतलब उस दिन शाम का वीडियो फुटेज आप लोगों ने देख लिया, अभी नेक्स्ट डे का वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ, मतलब पूरा दिन तो मैंने देखा नहीं था मछलियों को, अभी जब मैं देख रहा हूँ शाम के टाइम पे, सॉरी डे का बोल रहा था, शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि फीमेल ने अंडा दे दिया है।
ये जब वीडियो में उठाया था उस दिन मेरा पैकिंग था, मैं कुरियर ऑफिस से घर पे आया, खाना वाना खा के नहाया, नहाते नहाते शाम हो गया था और शाम को ना आया हूँ इसीलिए मेरा सर्दी हो गया इतना, मतलब समझ रहे हो ना, शाम को नहाना नहीं चाहिए, मैं शाम को ही नहाता हूँ, आप लोगों की वजह से काम होता है इतना। तो अभी मैं आके देख रहा हूँ कि फीमेल ने अंडा दे दिया है, देख सकते हो जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का देख रहे हो ना बबल नेस्ट पे, वो पूरा अंडा है और फीमेल ऑलरेडी दोस्तों अंडा छोड़ने के बाद ट्यूबफ्लेक्स वाम जितना भी था टैंक पे वो खा लिया है। मतलब मैं ब्रीडिंग टैंक पे खाना देता हूँ, बहुत सारे लोग मना करता है कि ब्रीडिंग टैंक पे खाना मत दो अमोनिया हो जाएगा, मैं खाना देता हूँ क्योंकि मैं बड़ा जगह पे ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, सो अमोनिया का कोई चाप नहीं है और मेल को बहुत काम है अभी, तो खाना नहीं मिलेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसका शरीर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने मेल को खाना दे दिया है। अभी फिलहाल ये जो वीडियो फुटेज देख रहे हो वो उसके नेक्स्ट डे का है, मतलब जिस दिन अंडा दे दिया शाम को मैंने फीमेल को उठा लिया, अभी नेक्स्ट डे का जो वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ ये वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो सब जो अंडा वंडा है सब नीचे मेल ने रख दिया है। पहले दिन आप लोगों ने देखा था कि ऊपर बहुत सारा अंडा था, अभी ऊपर आप लोगों को ज़्यादा अंडा दिखेगा नहीं, जो भी अंडा है वो नीचे मेल ने रख दिया है, क्योंकि अंडों को पानी के साथ कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, बबल नेस्ट के ऊपर अगर रहेगा तो वो तो अंडा ख़राब हो जाएगा। अभी देख सकते हो ऊपर कुछ अंडा है, वो सब अंडों को भी ये मेल मुँह में लेके नीचे कर देगा, एक जगह पे पूरा रख देगा, जहाँ पे मेल हमेशा नीचे से अपना जो साइड का दो पेक्टोरल फिन है उससे हमेशा पानी को सर्कुलेशन करेगा, मतलब नीचे से जो फ्रेश वाटर है वो मेल हमेशा सर्कुलेट करेगा ताकि अंडों में हमेशा ऑक्सीजन वाला पानी जाता रहे। और ये भाई हमेशा जब भी मैं आता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। अभी दोस्तों ये जो वीडियो फुटेज आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो उसके नेक्स्ट डे का है, तो अभी उसके नेक्स्ट डे अंडा हैच नहीं हुआ है, अभी अंडा हैच होगा, मतलब बेटा फिश का अंडा हैच होने के लिए 36 आवर्स से लेकर 48 आवर्स का टाइम लगता है, मतलब डेढ़ से दो दिन का टाइम लग ही जाता है बेटा फिश का अंडा हैच होने के लिए। तो फिलहाल देख सकते हो ये जो बड़ा बड़ा साइज़ का वाइट वाइट कलर का बबल नेस्ट देख रहे हो, एक्चुअल में उसके नीचे ही पूरा अंडा भरा पड़ा है। तो मेल ने क्या किया है दोस्तों, अभी अंडों को चारों तरफ फैला दिया है, क्योंकि जब अंडा मतलब एक दिन का होता है उस टाइम पे उनको पानी के सरफेस पे रखना थोड़ा सा कम होता है, ऊपर एकदम पूरा अगर चारों तरफ फैलाएगा तो वो अंडा दिक्कत देगा, मेल को बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन करना पड़ेगा पानी में, तो इसलिए मेल एक जगह पे रखता है। मगर जब अंडा हैच होने का टाइम आ जाता है वो मेल क्या करता है, पूरा चारों तरफ अंडों को फैला देता है, तो इसीलिए वो सब अंडा उस टाइम पे ऑक्सीजन और भी ले पाता है, तो धीरे धीरे वो अंडा हैच होने का चांस हो जाता है। तो फिलहाल एक दो अंडा हैच हो भी गया है, आप लोगों को मैं जूम करके दिखा भी रहा हूँ, देख लो ये जो अंडा देख रहे हो ये हैच हो गया है, मतलब उसका जो टेल है वो निकल गया है, अभी भी अंडा हैच होगा, मतलब नॉर्मली 48 आवर्स के बाद वो अंडा पूरा समझ लो कि 80% हैच हो जाता है। तो फिलहाल अभी 20% अंडा हैच हुआ है, बाकी सब हैच हो रहा है, तो ये सब अंडा हैच होने के बाद किस तरीके से मैं ये सब मछलियों को खाना दूंगा, ये सब बच्चों का किस तरीके से देखभाल करूंगा वो सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मेल तो इसी टैंक पे एक हफ्ता रहेगा, जी हाँ दोस्तों एक हफ्ता। नॉर्मली जो सब अच्छा मेल होता है वो सब मेल को अगर पूरा ज़िंदगी भी अपने बच्चों के साथ रख दोगे वो बच्चों को खाएगा नहीं, और जो सब मेल बहुत ख़राब होता है इरिस्पॉन्सिबल होता है वो सब मेल को अगर एक दिन भी रख दोगे अंडों के साथ वो तो अंडों को भी खा जाएगा बच्चों को भी खा जाएगा। ये मेल अच्छा है, मैंने ये जो ब्लैक का मेल ब्रीडिंग किया है ये मेल अच्छा है, तो इसको मैं एक हफ्ता आँख बंद करके रख सकता हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों वीडियो में आप लोगों को ये जो मैंने छोटा गमलों पे ब्रीडिंग पे बैठाया है वो सब दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ नीमो कैंडी का भी ब्रीडिंग पे लिए बैठाया है, कुछ ब्लू ओएचएम का भी बैठाया है। अब यहाँ पे जो ब्लू ओएचएम मैंने बैठाया है उसके साथ कुछ नीमो कैंडी का क्रॉस करवा रहा हूँ, प्लस ब्लू रिम का बैठाया है, ब्लैक रिम, रेड ड्रैगन, मतलब कुछ प्लैकेट्स का वैरायटी में ज़्यादा बैठाया हूँ, रेड रिम, ब्लैक रिम और आपका ब्लू रिम, ये तीन कलर का रिम है, मतलब ड्रैगन तो है, रेड ड्रैगन है, रेड रिम अलग से है, तो रेड रिम कौन सा है और रेड ड्रैगन कौन सा है वो तो आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर से एक लाइक कर देना, वीडियो में कुछ कमेंट करने के लिए बोला नहीं हूँ, तो अभी तक अगर देख रहे हो कमेंट सेक्शन पे आप लोग ब्लैक हार्ट स्पैम कर दो, जेड ब्लैक ब्रीडिंग करना सिखाया हूँ तो ब्लैक कलर का हार्ट कमेंट सेक्शन पे आप लोग स्पैम कर दो। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्रीडिंग वाले वीडियो पे, बाय बाय। गला बहुत ख़राब है भाई, थोड़ा सा बीमार हूँ, थोड़ा सा लेट होगा डिस्पैच में, बाय बाय।